सुनिएगा, फटी धोती, नंगे पांव, अगर विधानसभा के इस प्रांगण में दिनेश बावरा आम आदमी का दर्द अपने कविता के कागज पर उतार कर आपके हृदय में छापने में कबूल कर लिया, छापने में सफल हो गया, तो यहां आना धन्य होगा। फटी धोती नंगे पांव एक मजदूर तहसील में आके बोला, हुजूर जन्म का प्रमाण पत्र चाहिए। अधिकारी बोला, कब पैदा हुए थे बताइए। मजदूर बोला, हुजूर उस साल पैदावार बहुत कम हुई थी, क्योंकि खेत में बहुत चूहे थे। अम्मा बताती है कि राम धनी की बछिया और हम दोनों एक ही दिन पैदा हुए। हाय हाय, कितना भोला, कितना प्यारा, कितना भोला। फटी धोती नंगे पांव, कमजोर मत करना मुझे, फटी धोती नंगे पांव एक मजदूर तहसील में आके बोला, हुजूर जन्म का प्रमाण पत्र चाहिए। अधिकारी बोला, कब पैदा हुए थे बताइए। मजदूर बोला, हुजूर उस साल पैदावार बड़ी कम हुई थी, क्योंकि खेत में बहुत चूहे थे। अम्मा बताती है कि राम धनी की बछिया और हम दोनों एक ही दिन पैदा हुए थे। अरे भाई प्रमाण चाहिए। अधिकारी बोला, अरे भाई प्रमाण चाहिए, जाइए किसी से लिखवा के लाइए। मजदूर बोला, हुजूर कुछ कीजिए ना, बिना प्रमाण के ही बना दीजिए ना। अब दो पंक्ति पर अपनी ताली रोक के दिखाना चैलेंज है, बिना प्रमाण के ही बना दीजिए ना। अधिकारी बोला, तुम गरीब जनता हो, बड़ी भोली हो, इस देश में राम को जन्म का प्रमाण पत्र देना पड़ा, तुम किस खेत की मूली हो। वाह, इस देश में भैया, इस देश में राम को जन्म का प्रमाण पत्र देना पड़ा, तुम किस खेत की मूली हो। मजदूर बोला, हुजूर ऐसी सोच रखने वाले पाषाण हैं, राम तो अपने आप में खुद एक प्रमाण है। बना दीजिए ना दया खा के, एक अनपढ़ मजदूर क्या कर सकता अधिकारी के सामने। बना दीजिए ना दया खा के, अगर आपने बना दिया ना तो राम जी का दर्शन करूंगा अयोध्या जाके। राम जी का दर्शन करूंगा अयोध्या जाके। अधिकारी बोला, तो एक बात सुनो ध्यान से, जाओ लिखवा के लाओ प्रधान से। हुजूर प्रधान, हे भगवान, उनके पास नहीं जाएंगे, अगर गए तो वापस नहीं आएंगे। अधिकारी बोला, वापस नहीं आएंगे, हमें समझाएंगे। मजदूर बोला, हुजूर अम्मा बताती हैं कि वो हमारा शौचालय खा गए। वो हमारा सड़क खा गए, वो हमारा आवास खा गए, उन्हीं के चलते हम इस हालात में आ गए। हुजूर ये सब उन्हीं की मेहरबानी है, हम उन्हीं की लिखी हुई एक कहानी है। गरीब आदमी को सबसे ज्यादा अगर सुख पहुंचा सकता है तो गांव का प्रधान। हम उन्हीं की लिखी हुई एक कहानी है, हम उन्हीं की लिखी हुई कहानी है। मजदूर, और हुजूर एक बात कहें, बलई काका ठीक ही कहते थे, जो मजदूर जो किसान अपने शहर को गढ़ता है, कचरा उठाने वाले की इज्जत ज्यादा करिए। जो मजदूर जो किसान अपने शहर को गढ़ता है, उसको मृत्यु का प्रमाण पत्र पाने के लिए भी दो चार बार मरना पड़ता है। बहुत अच्छे, बहुत दो चार बार मरना पड़ता। मजदूर जो अनपढ़ है, जरा कभी तहसील में जाके देखिएगा कि उसे कितना, ये छोड़ दीजिए बैंक में अनपढ़ आदमी की पेंशन निकालने के लिए तीन आदमी से कहना पड़ता कि मेरा फॉर्म भर दीजिए। उस देश में हम जीते हैं और हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हमें आलोचना बर्दाश्त नहीं है साहब। अधिकारी जब कलम से स्याही बिखेरता है तो एक मजदूर की किस्मत बन जाती है। अंतिम दो पंक्तियां, मजदूर की बातें सुनने के बाद उस अधिकारी की आंखों में आंसू और हाथ में कलम के रूप में एक शस्त्र था। पांच मिनट के भीतर, मेरी अंतिम पंक्ति है, मेरी कविता अगर आपके भीतर थोड़ा भी दर्द पैदा की हो तो यह पहली पंक्ति और आखिरी पंक्ति आशीर्वाद दे। इतना सुनने के बाद, उस मजदूर के बात सुनने के बाद अधिकारी की आंखों में आंसू, हाथ में कलम के रूप में एक शस्त्र था मिश्रा जी, और पांच मिनट के भीतर उस मजदूर के हाथ में जन्म का प्रमाण पत्र था साहब। वाह, आपने सुना, बहुत अच्छा लगा।